हेलो फ्रेंड्स, मैं देव यादव आप सभी का स्मार्ट स्टीफन चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस है, ठीक है। 2 से 3 दिन आपके एग्जाम के रह गए हैं। देखिए, जिनका 14 तारीख को एग्जाम है उनसे मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है। यहाँ मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट बहुत सारे डले हुए हैं, उन सारे को सॉल्व कर सकते हो आप। और ठीक है, जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स और वन वर्ड की सीरीज मैंने चला रखी है उसे आप कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर वीडियो डली है, ठीक है, वोकेबलरी की, वो सारी कर लीजिए। वहाँ से वोकैब आपकी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। मैंने वन वर्ड की 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्लस जो आने की संभावना है सारे मिक्स करके लिए गए हैं, ठीक है। चलिए, आज का इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे आएगा, आपका एग्जाम है वो अच्छे से देखें इस वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन आएगा जैसे पहले क्वेश्चन में वॉइस आपको चेंज कराई गई होगी। क्वेश्चन दिया गया होगा दे मस्ट डू इट एट वंस, दे मस्ट डू इट एट वंस, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होगा आपको, आपको इसका वॉइस चेंज करवाया गया होगा, तो आपको करना क्या है, देखिए दे मस्ट डू, तो आप इसको शुरू कहाँ से करोगे, ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप शुरू करोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इट से शुरुआत करनी है, ठीक है। इट से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है, क्योंकि दे मस्ट डू, डू आपका क्या हो गया यहाँ पे हेल्प वर्ब आ गई, उसके बाद इट है, ठीक है। एट वंस से भी शुरू कर सकते हैं, हालांकि जो आपका इट है वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इट से शुरू किया, और आपको पता होना चाहिए मस्ट का कभी भी पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मस्ट बी का यूज किया जाता है, तो इट मस्ट बी आ गया आपका। फिर उसके बाद जो डन है, डू का क्या आ गया, डू डिड डन, ठीक है, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो यहाँ पे डन आ गया, और उसके बाद आ गया आपका एट वंस, तो इट मस्ट बी डन एट वंस यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी एग्जैक्टली सही बैठता है, ठीक है। तो इट मस्ट बी डन एट वंस, आशा करता हूँ फ्रेंड समझ में आ गया होगा। देखिए, पंक्चुएट से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि हर पेपर की नहीं कह सकता मैं बना है, लेकिन बाई चांस दे देते हैं, ठीक है। तो पंक्चुएशन आपको करना आना चाहिए, इसके सिंपल से रूल होते हैं, पहला अक्षर जो होता है वो बड़े से होता है, ठीक है। तो डॉक्टर का डी है जो वो बड़े से होगा, और एस जी का जो एस है वो भी बड़े से बनेगा, तो एस जी का एस जी बड़े से बना, ठीक है, दोनों अक्षर बड़े से हो गए। फिर सेन गुप्ता का एस बड़े से, फिर उसका इज डेड, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इजी है, आपको पंक्चुएशन करना आता ही होगा, आप इस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे द्वारा अगर किसी भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। जितने भी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है जिस भी टॉपिक्स की, उस टॉपिक्स पे मैं उनको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, आपको उस टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए चेंज द नरेशन, यहाँ पे आपको नरेशन चेंज कराया गया है, तो देखिए क्वेश्चन है द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन गो अवे एट वंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, एक बात यार दिमाग में लाओ, प्रिंसिपल पियोन से कहेगा तो हमेशा, यानी कि चपरासी को जो प्रिंसिपल होगा वो ऑर्डर देगा, तो यहाँ पे ऑर्डर्स का यूज किया जाएगा, रिक्वेस्ट का किया नहीं जाएगा, तो पहला तो गलत वैसे भी हो गया, ठीक है। तो देखिए, अब हमारे यहाँ पे 2 बचे हैं, बी और सी, डी में नन ऑफ दी जाए तो वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो देखिए द प्रिंसिपल, और आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर आएगा, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, ठीक है, ऑर्डर्ड द पियोन, ठीक है, ऑर्डर्ड द पियोन, और आपको पता होना चाहिए गो अवे एट वंस, ऐसे सेंटेंस में टू का यूज किया जाता है, ना कि प्रीपोजिशन दैट का यूज नहीं करते, दैट का यूज बी ऑप्शन में किया गया तो बी गलत हो गया यहाँ पे। फिर आपका सी बच्चा, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, ठीक है, और दैट की जगह पे यहाँ पर टू का यूज किया जाता है, फिर जैसा है वैसा ही उतार देते हैं, तो गो अवे एट वंस है, तो गो अवे एट वंस को ऐसा का तैसा उतार दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो गया आपका, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू गो अवे एट द वंस, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भी स्कोर रहता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया करें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन करना कैसे आपको, कि इट इज सो हॉट, देखिए इट इज सो हॉट, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जो इट इज टू हॉट दे रखा है उसे चेंज करो इट इज सो हॉट में, ठीक है। इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट, देखिए टू को आप चेंज करते हैं सो, सो में तो सो हो गया, देखिए हॉट दे रखा है हॉट हो गया, ठीक है। और फॉर की जगह पे दैट लगाते हैं, फिर आई, मी का आई बना, और आई कैन नॉट हमेशा नेगेटिव बनता है, टू वाला जो रिमूव टू में नेगेटिव बनाना पड़ता है, तो कैन नॉट का यूज करते हैं यहाँ पे, और बियर इट मतलब इट इज टू हॉट, गर्मी इतनी है कि मैं सहन नहीं कर सकता, तो इसे इट इज नॉट हॉट, इट इज सो हॉट, इतनी गर्मी है कि आई कैन नॉट वियर इट, मैं ऐसे सहन नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, इजी है, इसमें कुछ है नहीं खास, और आपका सही भी गया होगा, ये मैं
बता सकता हूँ, ठीक है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो। पांचवा क्वेश्चन है, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको मिस स्पेल्ड बताना है इसमें। देखिए सेंटेंस दिया गया है आपको, प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी होता क्या है पहले तो ये बताइए। प्रेज वर्दी होता है आपका, बहुत अच्छा सेंटेंस है प्रेज वर्दी। तो प्रेज वर्दी में फ्रेंड्स आपको करना क्या है, देखिए प्रेज वर्दी का हिंदी मीन्स जान लेते हैं क्या होता है प्रेज वर्दी का हिंदी मीन्स। तो इसमें जो आपको मिस स्पेल्ड बतानी है, तो प्रेज वर्दी आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन आप में जो सैलो है वो भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टॉलिड की मीनिंग भी आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन कमेंडेबल है उसकी मीनिंग गलत है। सही मीनिंग क्या होगी इसकी, COMMENDABLE, COMMENDABLE, कमेंडेबल, ठीक है, ये आपकी सही मीनिंग से यहाँ से हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, छठे और सातवें क्वेश्चन में आपको सिनोनिम्स पूछा गया है, ठीक है। तो सिनोनिम्स आपका है, छठा क्वेश्चन है डेप्लोर। डेप्लोर का अर्थ होता है, यहाँ पे डेप्लोर का अर्थ होता है देखिए, खेद प्रकट करने के कारण, यानी कि दुखी होना, ठीक है, खेद प्रकट करना या दुखी होना, ठीक है, खेद प्रकट करना डेप्लोर होता है आपका दुखी होना। क्या होता है, दुखी होना, दुखी होना होता है आपका, ठीक है, और उसका आपका जो रिग्रेट है उसका भी मतलब यही होता है दुखी होना। तो जो आपका डेप्लोर का यहाँ पे सिनोनिम्स होगा वो होगा आपका रिग्रेट, यानी कि दुखी होना, क्या होगा, दुखी होना होगा आपका। तो डेप्लोर आपका क्या होता है, दुखी होना, और रिग्रेट का भी क्या मतलब होता है, दुखी होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है लेविस। लेविस का यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है। तो लेविस का अर्थ क्या होता है, देखिए लेविस का अर्थ होता है यहाँ पे मुक्त हस्त या उदार या फिजूल खर्ची, ठीक है, उदार होता है लेविस होता है आपका उदार, ठीक है, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्च प्रचुर या विपुल अत्यधिक, ठीक है। लेविस ऐसा होता है एक समय से जो कंजूस समय का, यानी कि फिजूल खर्च ना करने वाला और लेविस हो गया, ठीक है, लेविस कंजूस भी बोल सकते हैं आप, यानी कि मुक्त हस्त या प्रचुर या विपुल मात्रा में जो अत्यधिक खर्च ना करता हो, ठीक है। और एबंडन, एबंडन जो होता है एबंडेंट, इसका भी यही अर्थ है, फिजूल खर्च ना करने वाला, यानी कि आपका प्रचुर, ठीक है, प्रचुर आपका, लेविस भी प्रचुर होता है और एबंडेंट जो होता है आपका वो भी प्रचुर होता है। देखिए फ्रुगुजल आपका कंजूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंजूस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको लेविस दे रखा है तो लेविस का आपका एबंडेंट यहाँ पे सही बैठेगा, ठीक है, यानी कि फिजूल खर्ची। अब देखिए बात कर लेते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवें क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमको पूछा गया है, यहाँ पे हमको एंटोनिम्स बताना है। और लीनियंट का फ्रेंड्स आपका अर्थ होता है यहाँ पे सदस्य, सौम्य या मृदु, क्या होता है, मृद, ठीक है, लीनियंट होता है आपका मृदु, क्या होता है, मृद होता है, लीनियंट आपका मृदु होता है, तो यहाँ पे मृदु हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आठवें क्वेश्चन में हमको बताना क्या है इसका एंटोनिम्स, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रूल, क्या हो जाएगा, क्रूल हो जाएगा आपका एंटोनिम्स, क्रूल का आपका मृद कोई साधारण स्वभाव का है और उसके बाद कोई क्रूल है तो कैसा हो गया, वो क्रूर व्यक्ति है, कैसा है, क्रूर, जो क्रूल होता है उसका मतलब होता है क्रूर, तो आपका जो अर्थ है वो समान आ रहा है, क्रूर होगा तो वो कैसा हो, क्रूर होगा कोई चीज़ तो वो कैसी होगी, क्रूर होगी, ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। देखिए नाइन में भी आपको एंटोनिम्स बताना है, तो एंटोनिम्स बताने हैं, इसमें नॉमिनल आपको वर्ड दिया गया है। नॉमिनल का आपका अर्थ होता है नाविक या नामधेय या नाम मात्र, नाम मात्र का नॉमिनल होता है आपका नाम मात्र, क्या होता है, नाम मात्र, ठीक है। अब आपको इसका एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स में फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए उल्टा होता है, तो देखिए उसका उल्टा करेंगे तो नॉमिनल का उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया सबस्टेंशियल, सबस्टेंशियल हो गया, जिसका अर्थ होता है अधिक मात्रा में, कोई चीज़ ना मात्रा में खर्च करने वाला व्यक्ति, फिर कोई वो सबस्टेंशियल बन जाता है, तो वो चीज़ उस चीज़ को अधिक मात्रा में खर्च करता है, कैसे करता है, अधिक मात्रा में खर्च करता है, तो आपका जो नॉमिनल बनेगा उसका अर्थ हो जाएगा ना मात्रा में, और जो सबस्टेंशियल है उसका अर्थ हो जाएगा अधिक मात्रा में, ठीक है, तो नॉमिनल का हो गया आपका सबस्टेंशियल। अब 10th क्वेश्चन आता है आपका, टू टर्न द कॉर्नर, टू टर्न द कॉर्नर, क्या हो जाएगा, टू टर्न द कॉर्नर, टू टर्न द कॉर्नर का अर्थ होता है यहाँ पे आपको बताना है। 10th क्वेश्चन है, इसका सही जो आंसर होगा वैसे तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और 10th का यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि टू पास अ क्रिटिकल स्टेट, ठीक है, टू टर्न द कॉर्नर, टर्न होना, कॉर्नर की तरफ होना, यानी कि कोने में होना, तो यानी कि टू पास अ क्रिटिकल स्टेट, एक क्रिटिकल यानी कि निंदनीय राज्य की तरफ पास करना, एक अर्थ हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्रिटिकल स्टेट, टू पास अ क्रिटिकल स्टेट यहाँ पे सही हो जाएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आया होगा,
देखिए फ्रेंड्स, आपको जिस भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो कमेंट सेशन में बता सकते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज केयरफुल ऑफ सोशल स्टेटस, ऐसा व्यक्ति जो केयर करता हो सोशल स्टेटस की, ठीक है। तो 11th का यहाँ पे सही होगा वो होगा आपका स्नोब, क्या होगा स्नोब्स। अ पर्सन हु इज केयरफुल ऑफ सोशल स्टेटस क्या हो जाएगा, स्नोब्स हो जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति अपने सोशल स्टेटस की केयर करता हो वो कैसा व्यक्ति होता है, स्नोब होता है। कैसा होता है, स्नोब्स होता है, जिसका मतलब होता है अपने, यानी कि मतलब जो अपने शरीर पे ध्यान देता हो, यानी कि केयर करता हो अपने स्टेटस को, यानी कि ईगो स्टेटस, जिसका हाई अपने स्टेटस को उठा के रखता है, स्नोब बना के रखता है, वो होता है स्नोब होता है आपका, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अ पर्सन हु इज़ केयरफुल ऑफ सोशल स्टेटस, तो आपका उसका हो जाएगा स्नोब्स, ठीक है। देखिए 12th क्वेश्चन है आपका, प्रिवेंशन इज आपको बताना है कि देखिए इसमें कौन सी यहाँ पे आएगा, ठीक है, कौन सी डिग्री आएगी, एक्सीलेंट आएगी, रेयर आएगी, बेटर आएगी या डिजायरेबल आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, देन के साथ हमेशा बेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 12th का बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 12th का बी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। 13 है, अकबर हैड अ डैश रेन देन बाबर, ठीक है। अकबर हैड अ रेन देन बाबर, तो यहाँ पे हो जाएगा देन दे रखा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया था कि देन जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे आपको जो यूज करना है वो ग्रेटर का करना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर दे रखा है, ई आर होगा वही होगा, ठीक है, क्योंकि देन के साथ में हमेशा कंपरेटिव, ठीक है, कंपरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। तो देन के साथ कंपरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, कंपरेटिव डिग्री यहाँ पे ग्रेटर है, तो 13 का सी सही हो जाएगा, अकबर हैड ए ग्रेटर रेन देन बाबर, ठीक है। अब 14th क्वेश्चन आता है कि अ लिटिल ऑफ घी डैश सोल्ड, तो अ लिटिल ऑफ घी इसमें जो सही होगा आपका वो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अ लिटिल ऑफ घी हैज़ बीन सोल्ड, क्या होगा, अ लिटिल ऑफ घी हैज़ बीन सोल्ड, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं 15वें क्वेश्चन की, मोर पेंस देन वन डैश बॉट, तो मोर पेंस उसके पास ज़्यादा पेंस थी, हालांकि बिची कितनी, एक वन बिची ना। तो यहाँ पे जो तुलना करेंगे हम, जो वर्ब लेंगे वो पहले वाले के अनुसार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बर आएगा ना कि वॉज, तो मोर पेंस के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज नहीं आएगा, ठीक है। मोर पेंस तो ज़्यादा हो गए तो बर का यूज किया जाएगा, वन के अनुसार नहीं लेंगे, मोर पेंस के अनुसार लेंगे तो यहाँ पे बर का यूज किया जाएगा, ठीक है। देखिए 16वां क्वेश्चन है कि ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, तो 16वें में जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फ्रेंड्स, यहाँ से लेंगे वो लेंगे आपका ऑप्शन ए, एट का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, एट का। तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, यानी कि वो मैथमेटिक्स में कैसा है, अच्छा है, तो यहाँ पे एट का यूज किया जाएगा, ठीक है। ही इज गुड, वो अच्छा है किसमें, एट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है उसके साथ में ऐट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तो उसी में अच्छा प्रदर्शित करते हैं किसी को, तो ऐट का यूज करते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं, ग्रुप हैं, और हमारे चैनल स्मार्ट हिस्ट्री फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे जो हम वीडियो अपलोड करें उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।